तहरीके इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी, एक के बाद एक बोगस मुकदमा खारिज होने लगा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के लिए अब रिलीफ का जो टाइम है वो शुरू होना चाहता है, या ये कहा जाए कि अब आला अदलिया की जानब जब के जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चेयरमैन तहरीक के इंसाफ इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिलता जा रहा है। गुज़िश्ते दिनों भी हमने देखा कि जो इस्लामाबाद पे जो कुछ हुआ और जहाँ पे वकील नईम हैदर पंजोता ने चेयरमैन तहरीक के इंसाफ इमरान खान की चार मुकदमात में जो वो बरीयत हासिल की, और वो जब वहाँ पे मुसद अदलिया का कहना था कि ये बोगस मुकदमात थे, और जिस तरह ये रियासत ने मुकदमात बनाए हैं और इन इदारों ने जो मुकदमात बनाए हैं इनको शर्म आनी चाहिए। आज फिर तीसरा दिन है लगातार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए खुशी का दिन है कि एक के बाद एक बोगस मुकदमा, पीर के रोज भी दो मुकदमात ख़त्म किए गए थे, डिसमिस किए गए थे, मंगल के रोज़ भी फिर इसी तरह चार मुकदमात को ख़त्म कर दिया गया था। मौजूद अदलिया ने यह कहा था, जस्टिस ऐशा ने कहा था कि ये जो आपने मुकदमात दर्ज किए हैं आपको ये कुछ थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि एक शख्स एक ही टाइम में किस किस जगह पे मौजूद है और आपने एक ही तरह के मुकदमात इसके ऊपर डाले हुए हैं। और आज फिर एक बड़ा केस, और बड़ा केस जिसके खिलाफ ब्रिस्टर सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर नियाजी ने बड़े आज अहम दलाल दिए हैं, और वो मुकदमा भी आज खारिज हो गया है। बड़ा मुकदमा था इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत निकाह केस के हवाले से, जिसके देखा हमने कि रियासत को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने वो केस जो है वो रात के 12 बजे तक भी वो चलाते रहे थे। अडयाला जेल के अंदर उसकी समाप्त होती रही सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, और एक दिन रात को 1 बजे तक उसके समाप्त हुई। और रावलपिंडी में जो सर्दी का मौसम था और रात के 1 बजे तक ऐसे केसेस की जब समाप्त हुई तो यकीनी तौर पे ये एक लम्हा फिक्रिया था। लेकिन आज इस केस की समाप्त हुई वहाँ पर ब्रिस्टर सलमान सफदर नियाजी ने अपने दलाल दिए, और उन्होंने कहा कि ये जो इद्दत निकाह केस में इमरान खान को सजा हुई है, इस सजा में को मुअत्तल होना चाहिए, और मुअज्जज जज जस्टिस शाह अजमद ने इसके खिलाफ समाअत की। और उन्होंने वहाँ पे जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, जो बुशरा बेबी के जो हस्बैंड है खबर माने का, उनकी तरफ से राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। राजा रिजवान अब्बासी को जब जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके पास सबूत और क्या आपने जो मुकदमे की क्या प्ली लिया, तो वो उस वक्त खामोश थे। उनको काफ़ी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा जब उनसे सवालात किए गए। ब्रिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, उस्मान रियाज गिल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। सबसे पहले ब्रिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाल का आगाज करते हुए कहा कि रात के 12 बजे तक इस केस की समाअत हुई है, सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक इस केस की समाअत हुई है, अदालत की तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो जब जस्टिस शाहरुख अजमद ने सुना तो वो चौंक उठे कि क्या ऐसा ये मुकदमा था कि जिसके अंदर आपको 12 घंटे से भी ज़्यादा आपने समाअत की, 15 घंटे तक समाअत चली। उन्होंने कहा एक दिन 15 घंटे समाअत हुई और एक दिन 16 घंटे इस केस की समाअत हुई। तो वहाँ पे राजा रिजवान अब्बासी के पास इस हवाले से कोई भी ठोस दलाइल नहीं था। वहाँ पे अदालत ने खबर माने से भी इस्तार किया कि आप 5 साल कहाँ थे, आपके बयान जो हैं जो मीडिया पे चले हैं वो, और वो 5 साल आपके ने क्यों नहीं अदालत की तरफ आए। तो वहाँ पे उनकी भी काफ़ी अदालत ने क्लास ली, और सलमान सफदर और ब्रिस्टर सलमान अकरम राजा ने इस्तार किया कि ये बोकस मुकदमा है, इस मुकदमे को ख़त्म होना चाहिए। तो जस्टिस शाहरुख अजमद ने उनसे इत्तफाक करते हुए यह मौक़ अपनाया कि वाकई ही मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने बेंदिर भुट्टो, अजमल कसाब और मुमताज़ कादरी का भी केस देखा है, लेकिन उन केसेस में भी 16 घंटे और 15 घंटे समाअत नहीं हुई। तो ये उन्होंने कहा कि आप बताएं, उन्होंने खबर मानिका और राजा रिजवान अब्बासी से कहा कि आप बताएं आपको किसने कहा था कि 16 घंटे इस केस की समाअत होनी। उन्होंने राजा रिजवान अब्बासी और एक खबर माने का ने कहा जी ये तो आप अदालत से पूछिए। तो उन्होंने अदालत के ऊपर भी ये सवालात उठाए जस्टिस शाहरुख अजमद ने कि कैसी ये अदालत है, कौन था वो जज जो इमरान खान के ये केस सुन रहा था, जिसने इतनी जल्दी में फैसले किए, उसको क्या इतनी ज़रूरत थी। वो जज भी वकील से भी ज़्यादा एक पार्टी बना हुआ था। उन्होंने राजा रिजवान अब्बासी से कहा
कि आपने उस जज को कितने पैसे दिए, तो यकीनी तौर पे आप पर्दे उठ रहे हैं, इमरान खान सुर्खरू हो रहे हैं, और जैसे वो अवामी अदालत में सुर्खरू हुए हैं।